पिज्जा वाले मोमो जो है ना, ये कुरकुरे में पकौड़े टाइप के लगते हैं। मैंने बोला तो ये बोलो ना कि शिमला मिर्च का पकौड़ा है। मतलब चलता फिरता केक मैंने कभी नहीं खाया, आज खाऊंगा चलता फिरता केक। हाय गाइस, सनवे दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और ये हमारी चंडीगढ़ सीरीज का लास्ट एपिसोड है। पिछले कुछ हफ्तों में आपको चंडीगढ़ ट्राई सिटी, चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली और उसके अंदर जीरकपुर भी डाल दिया, उसके कुछ आपको एपिसोड्स दिखाए बढ़िया बढ़िया खाने के। और आज लास्ट एपिसोड में हम लोग हैं VIP रोड पे, स्टार्ट कर रहे हैं मोमो मास्टर के पिज्जा वाले मोमोज से, और फिर एंड में भाई ऐसी मिठाई खाएंगे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, मतलब मीठा। देखते रहना वीडियो, मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। पिज्जा, कुरकुरे और बताओ कौन सा खाना है। मशरूम डुप्लेक्स भी खाने? नहीं, पिज्जा कुरकुरे तो आप हाफ लगा ही दीजिए। तो फ्राई होता है, अब फ्राई देखो, फिर मैं वेट करता हूँ, खाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये पूरी पीछे ना VIP रोड वाली मार्केट है, यहाँ पे और बढ़िया बढ़िया खाना ढूंढेंगे। पिज्जा वाले मोमो जो है ना, ये कुरकुरे में ये एकदम मस्त पकौड़े टाइप के लगते हैं, बड़े अच्छा टेक्सचर लगता है इसका। हाँ, ये ना इसका और आपकी वो चटनी भी बड़ी स्पाइसी है ना, बड़ी अच्छी सी लगती है। ये प्रॉपर VIP रोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये पूरी VIP रोड है। कहाँ से शुरू होती है ये? वो बाहर से ही। खुशबू बहुत प्यारी है ये, मतलब ये ना मोमो नहीं है, ये पकौड़े हैं, ये पिज्ज़ा के पकौड़े हैं। अंदर देखो, खूबसूरत, मतलब इसके अंदर प्याज है, शिमला मिर्च, कॉर्न्स है एंड चीज़ है। लुकिंग सो प्रिटी। इसको मैं मोमो नहीं बोलूँगा, ये मोमो का पकौड़ा है, मोमो ने पिज़्ज़ा का पकौड़ा है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पता कौन सी चीज़ें हैं इवन आज की वीडियो में भी, ये जीरकपुर VIP रोड वाली में भी, जो सारी हम लोग जब आते हैं जीरकपुर में तो खाते हैं, बट ये आज तक कभी वेजी बाजी पे फीचर ही नहीं हुई। ट्रैवलिंग बाजी डेली व्लॉग्स पे रहती है, हम लोग बिहाइंड द सीन सारी चीज़ें डालते हैं, ट्रैवलिंग बाजी पे डालते हैं, बड़े बाजी पे डालते हैं, वो व्लॉग वाला कंटेंट होता है, बट ये हम लोग अब इसको अपने फूड चैनल पे फीचर कर रहे हैं इसको। मतलब यहाँ पे हम 4-5 बार आ चुके हैं। हाँ, बट आज तक कभी वेजी बाजी भी नहीं आई। आई डोंट थिंक बाकी किसी ने भी वीडियो डाली होंगी, ये वाली काफी हिडन जेम्स और वैसे वाला ना, एक यूनिक कंटेंट है ये हमारे पर्सनल खोजे में टिका। भाई नो चांस दिस इज अ मोमो, बट दिस इज अ डिलीशियस। अब पास में आओ, आपको दिखाता हूँ। मुझे ये पिज्जा वाली स्टफिंग इतनी पसंद नहीं है, बट ये इस वाले कॉन्सेप्ट में अच्छी है। एक हल्का सा इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम की लेयर है, और मोमो की लेयर इतनी पतली है कि मैं ब्रेड क्रम की लेयर को खुरद ही नहीं सकता, आई कांट सेपरेट द टू। मतलब वेरी नाइस, बहुत मतलब सुपर डुपर हिट है। 100 रुपीज के हाफ प्लेट है। मोमोज की चटनी गंद स्पाइसी। अब आपको और चीजें दिखाएंगे। ये ना बेसिकली जीरकपुर में खाने का यही मेन अड्डा है, VIP रोड में एकदम VIP फूड दिखाएंगे आपको। पहली जगह थी ये मोमो मास्टर के पिज्ज़ा मोमो, जो है पिज्ज़ा पकौड़े, खाओ। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, गुरपाल बेकरी करके है, उसके सोया चाप बढ़िया मिलता है, सोया चाप खाएंगे। मैं अभी ना इनको, मैं लोगों को भी यही बता रहा था कि हमारा ना वो व्लॉग वाले चैनल पे हमने 2-3 बार आपके मोमो दिखा रखे हैं, पर हमारा फूड चैनल पे कभी नहीं दिखाए। हमारी जो वीडियोस देखते हैं ना, वो भी प्रॉपर फूड ही होते हैं, फिर वो खोज में निकल जाते हैं। चलो अब चलते हैं, वो कहाँ पे, गोरपाल बेकर्स आ जाओ। भाई क्या बना रखा था उन्होंने, अरे क्या मस्त चीज देखी मैंने। बाइक पे एक कपल बैठा हुआ है, और बाइक के सबसे आगे वो फ्यूल टैंक पे एक पपी बैठा हुआ है, लिटरली भाई वो जो ठंडी हवा खा रहा होगा ना, हाय मजे है यार उसके। अब ये सामने कहाँ गया, ये रहा गुरपाल बेकर्स ना, जिसका गुरपाल चल रहा है बेकर्स, अभी लाइट बंद है। वहाँ पे ना अंदर नहीं जाना, बाहर से ही ना उनके पूरा सेटअप वेटअप लगा हुआ है, वहाँ से सेटअप आपको, चलो आप पास में आ जाओ तो दिखाता हूँ। राम लड्डू का भी अंदर से मिलेगा, ठीक है, बनाना मत, मैं आ रहा हूँ तो बनाना। अंदर से टोकन कटवाते हैं चाप और राम लड्डू का। भाई चंडीगढ़ ना शहर थोड़ा महंगा है, पैसे बहुत खर्च होते हैं। राम लड्डू मिक्स और चाप हाफ, जलेबी भी है। अच्छा जी, देसी घी वाली जलेबी है, मन ललचा रहा है। भैया राम लड्डू लगा दीजिए एक मिक्स, पालक, हाँ खाने हैं, पालक वालक भी डाल देना, बढ़िया करारे कर देना अपने हिसाब से। ये कौन सा है, मिर्च, ये डाल दो, गोल मिर्च लंबा नहीं होता, वो वाली मिल नहीं। ये कौन सी मिर्च है जो गोल है? भाई पड़ी हो गया ये। शिमला कैप्सिकम बोलो ना, मिर्च। नहीं नहीं सही बात है।
शिमला मिर्च का पकौड़ा होगा ना, मिर्च का पकौड़ा मैंने बोला कौन सी मिर्चा भैया, कह रहे शिमला वाली मजाक किया, वेरी नाइस, फनी फनी फनी। आओ जी अब चाप लगवाएंगे अपनी। भाजी कहाँ गए, लगा दो यार मलाई चाप। हाँ हाँ एक मलाई चाप। आप चंडीगढ़ नहीं, हम दिल्ली से हैं जी, हमारे रिलेटिव हैं तो जीरकपुर में रहते हैं, तो हम लोग आते रहते हैं, हमने आपकी चाप बहुत खाई है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, आई डिडंट नो यार, आई एम वेगन, स्मॉल वर्ल्ड है। हाँ जी अभी तो हमने नीचे रेस्टोरेंट भी ओपन किया हुआ। अच्छा अच्छा, हम आते हैं मोस्टली ना बाहर से, आपका बाहर के सेटअप से खा के चले जाते हैं हम लोग, बट ठीक है अच्छा नाइस है। तो ये 2010 से है? This is from 2012. तो तब तो इतना ये VIP रोड है जो बोलते हैं अभी, तब नहीं था। तो ये कब बनी मार्केट की चकाचौन? डे बाय डे, ये दिस इज द सेंटर ऑफ VIP। आई थिंक ये कुछ चार एक साल से तो मैं देख रहा हूँ, चार पांच साल, तब उससे पहले कुछ नहीं था। ये 2016 में एक्चुअली हम यहाँ पे सबसे पुराने जो है ना, हाँ, हाँ। फूड आउटलेट्स में से। आई रिमेम्बर वो छोटे छोटे मलाई मोमोज आप बनाते हो, वो खाते थे हम लोग, बड़ा चटनी, वो हरी चटनी और प्याज के साथ ना, कच्चे प्याज के साथ। हाईवे कंजेस्टेड है यार, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक। ठीक है वेरी नाइस। और इसका नाम VIP रोड क्यों है? VIP की क्या फुल फॉर्म है? कैसी ऐसी है भाई, पंजाबी लोग ना थोड़े शकीन होते हैं। हो गई भैया चाप? हो गई कर दो जी। ठीक है चलो अब ये टक टक टक। ओके भाई जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप। ऐसे थम्स अप करेंगे कैमरा में देख के, ये इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा, इसके लिए यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी, चलो जी गाइस स्टार्ट करते हैं। हमने राम लड्डू लिए हैं एक, और एक चाप लिया है। वैसे इनकी चाउमीन भी बड़ी अच्छी होती है, पाव भाजी भी अच्छी होती है। लेट्स स्टार्ट। राम लड्डू मैंने भैया से पूछा जो चाप बना रहे थे, मैंने बोला भैया एक चीज खाऊंगा कुछ चाप के अलावा, क्या खाऊं? ये राम लड्डू नहीं, मिर्ची का पकौड़ा है, ये मिर्ची का पकौड़ा। मैंने बोला भैया को बड़ी फनी चीज हुई, मैं पांच मिनट तक हंसता रहा। मैंने बोला भैया मिर्ची का पकौड़ा मतलब गोल कैसे? कह रहे मैंने बोला कौन सी मिर्ची है? कहते शिमला वाली। मैंने बोला तो ये बोलो ना कि शिमला मिर्च का पकौड़ा है, मतलब कैप्सिकम पकौड़ा, मिर्ची का पकौड़ा बोल के एक्सपेक्टेशन हाई करके। नहीं ये वो मिर्ची का पकौड़ा जिसके अंदर आलू भरा हुआ है ना, ये वो हो गया। हाँ हाँ कह रहे वो ना मोटी मिर्ची नहीं आ रही थी भैया, इस पानी भैया इस पानी भाई, मार्केट की ना वाइब है, दिस मार्केट प्योर हैज दैट फूडी वाइब। मुझे मोहल्ली के 3B2 मार्केट में भी वो वाइब लगी, मार्केट एकदम बढ़िया वाइब है ना, वे भी है, बट यहाँ पे थोड़ा गाड़ी ज्यादा, लोग कम दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली ना ये मार्केट थोड़ी हैपीजार्ड है, मोहल्ली की मार्केट जो है थोड़ी एक से एक के बाद एक, यहाँ पे सिर्फ खाने के अलावा भी और चीजें। Nice. भाई सूरतपुर वाले लोग, पंचकूले वाले लोग दूर दूर से आते हैं VIP रोड पे खाने, और ये गुरपाल बेकर पे स्पेशली मैं हम तो आते हैं चाप खाने। और फिर ना क्या होता है, चाप के साथ कोई एक आध चीज़ चाहिए होती है, तो कुछ ना कुछ अलग ले लेते हैं। इस बार राम लड्डू ले लिया। चौपे चौपे मड़े चाप लिए, और ये चाप चीज टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। जिस चाप अल्टीमेट, ये चाप रोड़ी बन सकती है, जिस चाप इज सो गुड, तू बनेगा रोड़ी, तू बनेगा रोड़ी, और ये बन भी जाएगा रोड़ी भाई, बात है। और ये देखो, ये पास में आके जूम में दिखाओ, ये जो ब्लैक पार्ट है ना, ये जला नहीं है, ये पीस है, इसके लिए लड़ाई होती है कौन खाएगा ये पीस। डिलीशियस। चलो भाई अब चलते हैं, आपको और खाना दिखाते हैं। यहाँ के ओनर से बात ही कर रहा था, तो वो बता रहे थे 100 से भी ज़्यादा खाने के आउटलेट्स हैं यहाँ पे इस मार्केट में, 100 से भी ज़्यादा। अब वो हम आपको एक पूरी मार्केट में तो दिखा नहीं सकते एक पूरी वीडियो में, तो जो हमें जगह अच्छी लगती है वहाँ जाएंगे। अब कुछ मीठा ढूंढते हैं, मीठा हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो खाते नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होगा, या फिर सेफ एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो अभी डिस्कस करते हैं क्या करें, वो आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। अब इसको एंजॉय करते हैं।
सोफा के भी एक बार चा पे नंबर वन। यार आजकल ना एक नया ट्रेंड चालू है मार्केट में ना, कॉफी ठेले पे देने लग गया है, वो ठेका कॉफी वाला जैसे ब्रांड है ना भाई, केक्स भी मैंने देखा अभी प्रॉपर केक ठेले में दे रहे हैं वो। मैं जेन्युइन में देख के हैरान हो गया हूँ और मैंने सोच लिया कि वीडियो का एंड जो मीठा है ना वो यहाँ से खाएंगे। जगह का नाम है आदिस केक हाउस, मतलब चलता फिरता केक। भैया से समझेंगे पहले तो क्या चीज़ है। भैया कौन सा बढ़िया रहेगा यार, एक आप कर दो ये रोज मिल्क केक कर दो, और एक मिक्स फ्रूट केक बॉक्स है क्या वो भी दे दो। भाई ये कॉन्सेप्ट देखो, मतलब वो बेकरी वाले केक्स ऑन अ कार्ट, बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत जेन्युइन बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा। ये आप ही का ही है सेटअप, आप थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। मैं एक्चुअली हम लोग ना फूड वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोग जीरकपुर का खाना एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे ये मैंने आज से पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा ये कभी, तो मुझे बहुत न्यू कॉन्सेप्ट लगा। तो इसमें मैं अगर जैसे ये बेकरी है यहाँ पे, इससे लूँ और इस पे लूँ तो टेम्परेचर सेम रखते हो आप मेंटेन? तो कितना टेम्परेचर होता है कि इस पे ये मेंटेन रहता है वो फ्रिज वाला? तो इसमें फ्रॉस्टिंग नहीं होती? आदिस किसका नाम है इसका? हाँ समझ गया था मैं, हाँ मैंने देखा ना समझ गया। आपका क्या नाम है? प्रणौती। आप बनाती हो ये? वेरी नाइस यार, बहुत सही, मतलब बहुत सही कॉन्सेप्ट है। तो इसको मतलब इसको आप बना के तो बहुत जगह एक्सपेंड कर सकते हो। हाँ। नहीं बहुत, मतलब मुझे ये चीज़ देख के ना मैं ढूंढ रहा था क्या मीठा खाऊं, मैं यहाँ पे देखा, मैंने बोला ये चलता फिरता केक मैंने कभी नहीं खाया, आज खाऊंगा चलता फिरता केक। आप मुझे बताओ कौन सा सजेस्ट करो। मैंने तो एक तो टेस्ट लेशेस खाने का मन था मेरे को, वो तो ले लिया मैंने, और इसमें से दो ही खाने मुझे, ये तो मैंने खाना ही है। ये बढ़िया है, दोनों बढ़िया है भाई। चॉकलेट खाना है या क्या खाना है? एगलेस ही है, वेरी नाइस। और कपकेक्स कैसे? कपकेक्स भी ऐसे रहते हैं भैया, कपकेक दिखाएंगे? सो क्यूट, ये चॉकलेट कपकेक है इनका, मैं खोल लूंगा भाई, सो ब्यूटीफुल यार ये। और भी जगह और ये एग्जिस्ट करता है क्या आइडिया ऐसे केकरी ऑन दिस कार्ट वगैरह? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये केक्स तो सब बनाते हैं, मत केक के सामान को इस पे डालना, ट्राइक बोलते हैं ना इसको, ट्राइक पे डाल के और इसका टेम्परेचर कम करना, ये कैसे सोचा? मतलब ये किसका, आपका दिमाग था या इनका? ये इनका ही दिमाग है सारा। बहुत बढ़िया यार, मतलब बहुत, मतलब फुल जिसे कहते हैं ना नारी शक्ति। मैं तो अभी फिलहाल इस पे अटैक करूंगा, मेरे को रोज केक से बड़ी उम्मीदें लग रही है। और पोर्शन भी, दिस इज 250 ग्राम्स आई गेस, 300 ग्राम्स, 200-250 ग्राम्स, अच्छा वजन भी है, और जस्ट प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है, 80 रुपीज का है भाई। ये देखो, लुक एट दिस मिक्स फ्रूट पेस्ट्री, ये ट्रेस लेचेस है जो वो मुंबई में खाए थे ना वैसा वाला है, और ये मिक्स फ्रूट है नॉर्मल पेस्ट्री। पहले ये करते हैं, ये हमारा वो हो जाएगा क्या कहते हैं सैंपल, हाँ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, करेक्ट। स्टिल कांट बिलीव कि मैं ये एक ट्राइक से खा रहा हूँ भाई, बड़े ना सही वर्ड। मैं ना पहले ना आई एम श्योर 90% ऑफ लोग मेरे से रिलेट करेंगे, ये सेटअप को हम वो बोलते हैं क्या, ठेला बोलते हैं। बट ना हम लोग, बड़ी मज़ेदार कहानी है, हम लोग लास्ट ईयर ना एक ब्रांड का कैंपेन कर रहे थे क्वालिटी वॉल्स का, तो उस कैंपेन से मुझे पता चला कि इसको बोलते हैं ट्राइक। तो अब मैं इसको देखता हूँ, नाउ आई से दिस इज अ ट्राइक, दिस इज अ बेकरी ऑन द व्हील ट्राइक। भाई वो कॉर्पोरेट वाले लोग वो बोल रहे हैं यू हैव टू गो टू ट्राइक एंड ट्राई आइसक्रीम, ठीक है भाई ठेला ही बोलते थे। मुझे जेन्युइनली ट्रेस लेचेस पसंद भी है, थोड़ा ना वो रसमलाई टाइप का लगता है ना, दैट वो जो ब्रेड दूध को सोक कर लेती है ना, जस्ट लव इट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। द फैक्ट कि ये सिर्फ 90 रुपये का मिल रहा है, अनबिलीवेबल, और ये कहीं पे भी आ सकता है, सुपर अनबिलीवेबल। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, मज़ा आया, ओके थैंक यू। आप लोगों से भी अब हम लोग विदा लेंगे, ये है इस वीडियो का लास्ट पार्ट। जीरकपुर में VIP रोड पे एक नंबर खाना मिल रहा है, सारे फूडीज मुझे पता चला यहीं पे आ गए, इकट्ठा हो गए, 100 से भी ज़्यादा जगह है खाने की, आओ कभी एक्सप्लोर करना, मज़ा आएगा। एंड दैट वॉज द लास्ट एपिसोड ऑफ आर चंडीगढ़ ट्राई सिटी सीरीज, तो वो तीन पार्ट है ना इसके, पंचकुला, मोहली, जीरकपुर भी हमने डाल दिया, ठीक है, चलो जी मिलते हैं।
अगली सीरीज पे कुछ और बढ़िया खाना खाते हुए नए शहर का, ठीक है। वेजी बाजी पे पहली बार आए फॉलो कर देना। सो गुड, बाय बाय।